भागवत कथा के अंतिम दिवस पर पंवार कॉलोनी बेलछा रोड खाते गांव पर सैकड़ों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सब पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है। जहां भागवत पुरुष को पुरुषोत्तम बनाती है, नर को नारायण बनाती है, जीव को जगदीश बनाती है और भोगी को योगी बनाती है। मनुष्य को जीवन जीने की कला भागवत से ही सीखना चाहिए। वहीं आयोजन समिति के लखन पंवार बबलू को साधुवाद देते हुए कहा कि इनके परिवार पर धोनी वाले दादाजी की असीम कृपा है, जिससे यह आयोजन चैत्र नवरात्रि में फलदायी साबित होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि भागवत के दौरान हम अखंड ज्योति नहीं जलाते हैं, पर यहाँ प्रथम दिवस ज्योति प्रज्वलित है। वह किस प्रकार प्रज्वलित है जो आज तक अखंड है, ऐसे कई चमत्कार भागवत के द्वारा देखे गए हैं। उन्होंने कहा भागवत भगवान कृष्ण से भी बड़ी है और निश्चय जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान कथा श्रवण करने इस कलयुग में अवश्य आते हैं। इसको पुरुषोत्तम बनाती है, नर को नारायण बनाती है, जीव को जगदीश बनाती है, भोगी को योगी बनाती है। भागवत सुनने से जीवन धन्य होता है। भागवत जिस आंगन में होती है वहाँ 7 दिन के लिए वो स्थान से वृंदावन धाम बन जाता है। भागवत जिसके यहाँ पर होती है उसके पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भागवत महापुराण की कथा सुनने से। और भागवत महापुराण की कथा आंगन में जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का जब पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आंगन में होती है। और जब पितृ देवताओं की कृपा होती है, जब कुल के देवी देवताओं की कृपा होती है तो ऐसे अवसर आंगन में होते हैं। और इनके ऊपर, इस परिवार के ऊपर तो श्री दादाजी धोनी वाले की बड़ी कृपा है जो आज इनके यहाँ पर ऐसा अवसर आया, और वो भी चैत्र मास, चैत्र के महीने में नवरात्रि के पावन अवसर पर। अखंड ज्योति का भी आपने बताया था कथा में कि आपके यहाँ अखंड ज्योति नहीं जलती है, पर एक यहाँ अखंड ज्योति का देखा था। हाँ, कथा के अंदर हम अखंड ज्योति नहीं रखते हैं। बाकी इस स्थान का कुछ ऐसा प्रभाव है कि 7 दिन हो गए वो अखंड ज्योति एक अपने आप चल रही है। तो इस स्थान पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, इनके ऊपर, इस परिवार के ऊपर दादाजी श्री धोनी वाले की बड़ी कृपा है, पितृ देवताओं की बड़ी कृपा है, माँ नर्मदा की बड़ी कृपा है, और वो सामने हम यहाँ पर दिख रहा है। धन्यवाद।